नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा नुस्खा। ये नुस्खा 101% काम करता है। अगर आपको मेरे इस नुस्खे पर विश्वास ना हो तो प्लीज़ इस नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जो भी नुस्खा आपको बताती हूँ सारे नुस्खे मेरे घरेलू चीज़ों के होते हैं, जो कि हम सभी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो आजकल आप सभी लोग जानते हैं क्या चल रहा है, वायरल फीवर। वायरल फीवर, जब वायरल फीवर है तो दोस्तों खांसी, जुखाम, ये सारे भी साथ में रहते हैं। बदन दर्द, हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे एक एक हड्डी में दर्द होने लगता है, एक एक मांसपेशियों में दर्द होने लगता है जब दोस्तों वायरल फीवर होता है। तो ये जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगी, ये इतना बेहतरीन नुस्खा है कि अगर आप इसको एक से दो बार ही यूज करेंगे, इसी में आपको तुरंत आराम मिलेगा। देन देयर आप इसे ट्राई करना एक बार, प्लीज आप इसे ट्राई करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्राई जरूर करना आप। तो चलिए अब मैं आपको सामग्री बताती हूँ कि मैंने नुस्खे के लिए कौन कौन सी सामग्री ली है। दोस्तों इतनी सामग्री देखकर घबराना नहीं, जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आप इसे यूज जरूर करना। तो सबसे पहली सामग्री मैंने यहाँ पे लिया है, ये है दोस्तों गुड़। आप देख सकते हैं ये मैंने डार्क वाला गुड़ लिया है, तो ये मैंने गुड़ ले लिया है। और अब इसके बाद हमें लेना है ये है दोस्तों लौंग। लौंग जो हम लोग पूजा वगैरह में यूज करते हैं, तो हमें चाहिए लौंग। और हमें इस टाइप की, ये जो फूल वाली लौंग है ना, ये फूल वाली लौंग ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पे दूसरी सामग्री हो गई है ये लौंग। और अब इसके बाद में जो ये तीसरी सामग्री है, ये है दोस्तों, ये आपकी है दालचीनी की लकड़ी। मैंने दालचीनी की लकड़ी ली है, तो आप दालचीनी की लकड़ी ले लीजिए। अब इसके बाद में जो ये चौथी सामग्री है, ये है दोस्तों अदरक। आप सभी लोग जानते होंगे अदरक, ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम करती है, बेहतरीन काम करती है हमारे बुखार को ख़त्म करने में, खांसी जुखाम को ख़त्म करने में बहुत तेज़ी से। यानी कि जो भी सामग्री मैं यूज कर रही हूँ, ये बुखार, खांसी, जुखाम, कफ सबको सही करने में तेज़ी से मदद करता है। अगर आपके फेफड़ों में कफ भी जम गया है तो दोस्तों ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ, ये नुस्खा आपके फेफड़ों में यानी कि छाती में जमे हुए कफ को पिघला करके निकाल देगा मात्र 5 मिनट में। आप इसे यूज जरूर करना। अब इसके बाद मैंने ये पांचवी सामग्री ली है, ये है दोस्तों क्या है, काली मिर्च। ये देखिए, ये मैंने ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ली है, तो आपको ले लेना है काली मिर्च। तो ये मैंने सामग्री आपको सारी बता दी है। और अब ये क्या चीज है, ये है दोस्तों क्या है, ये है करी पत्ता। करी पत्ता आपके पास में अगर करी पत्ता नहीं है तो इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये करी पत्ते। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हमें इनमें से कितना सामान यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अदरक है इसको हम कितना लेंगे, अदरक को बिल्कुल हमें छोटा सा टुकड़ा इसका ले लेना है। ये देखिए, ये इतना छोटा सा हम अदरक ले लेंगे। ये देखिए, इसका हम छिलका इस तरीके से थोड़ा सा निकाल देंगे ताकि एक तो अदरक को मैंने पहले इसे ही पानी से अच्छे से साफ कर लिया है, तो आप पानी से अच्छे से साफ कर लेना ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी वगैरह ना रहे। तो चलिए मैंने इसको, इसका जो अदरक का जो छिलका है इसको मैंने निकाल दिया है। तो हमें इतना सा लेना है अदरक। और अब इसके बाद में हमें अदरक लेने के बाद में अब हम लेंगे दालचीनी की लकड़ी। ये देखिए, मैं दालचीनी की लकड़ी ले रही हूँ, तो यहाँ पे करीबन मैंने 4 लकड़ी ले ली है दालचीनी की। और अब इसके बाद में हम लेंगे लौंग। लौंग हमें कितने चाहिए, बस केवल 4। ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, जितना मैं आपको बता रही हूँ तो आप उतना ही लीजिएगा। तो ये मैंने 4 ले लिए हैं लौंग, तो इसको हम इसी में डाल देंगे। और अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे क्या है दोस्तों, ये है करी पत्ता। ये देखिए, ये है करी पत्ता। तो करी पत्ते को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से 12 करी पत्ते हैं, तो हम इसे पूरे डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। अब गुड़ को मैं कैसे यूज करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें, अभी मैं इसमें और चीज़ डालूंगी, थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिए। तो अब इसको हमें करना क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें, ये जो अदरक कूटने वाला होता है
तो इसमें डाल करके हम इसको कूट लेंगे। चलिए इस तरीके से हम इसको इसमें डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से अच्छे से हम इसको कूट लेंगे, ये देखिए, ताकि ये हल्के से क्रश हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हमें बारीक पीसना है, नहीं ऐसा नहीं है, हल्के से क्रश कर लें, यानी कि हल्का हल्का टूट जाए, ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो हमें हमारे काढ़े में मिल सकें। चलिए मैं इसको कूट लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको हल्का सा क्रश कर दिया है सभी चीज़ों को अच्छे से। और अब हमें करना क्या है, इसको हम डाल देंगे इस भगोनी में, ये देखिए इसमें हम ये डाल देंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें कितना चाहिए, यहाँ पे मैं पानी डाल दूंगी एक गिलास, ये देखिए मैं इसमें एक गिलास पानी डाल रही हूँ। मैंने ये वाला गिलास नापा है इस गिलास से, और मैं इसमें आधा गिलास पानी और डाल दूंगी, ये देखिए। तो मैंने करीबन डेढ़ गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इसको इसमें हम थोड़ा सा गुड़ भी डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने ये गुड़ ले लिया है, तो हम इसमें से कितना गुड़ डालेंगे, इतना सा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं ऐड करनी है, बस इतना सा आपको इसमें गुड़ डाल देना है। और अब इसके बाद में अभी हम इसमें और भी चीज़ ऐड करेंगे, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में बनी रहिए। तो सबसे पहले इसको हम रखते हैं गैस पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है, यानी कि खोलने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काढ़ा है। आप मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, जो सही चीज़ बताता है उसी इंसान पर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इसे यूज करिए, आप लोग, चलिए आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आप ये तो देखा करिए कि ये घरेलू चीज़ें हैं, ये आपको क्या नुकसान करेंगी, आप ये बताइए मुझे, खुद ही सोचिए। आप मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद सोचिए कि ये घरेलू चीज़ें हैं, ये आपको क्या साइड इफेक्ट करेंगी, ये तो बताइए। तो आप विश्वास करके यूज करिए नुस्खे को, और आप खुद ही देखेंगे इसका रिजल्ट। और इस नुस्खे को बच्चे बूढ़े जवान कोई भी यूज कर सकता है बड़े आराम से, उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल घबराएं नहीं, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसमें एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस का जो फ्लेम है, जो आँच है, इसको हम बिल्कुल सिम कर देंगे, सिम आँच पर इसको हमें पकाना है। तो ये देखिए मैंने सिम कर दी है आँच, और सिम आँच पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये आधा रह जाए, यानी कि इसमें मैंने डेढ़ गिलास पानी यूज किया था, तो ये पौन गिलास पानी रह जाए तब हमें इसका गैस का फ्लेम बंद करना है। तो अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, एक नहीं दोस्तों दो चीज़ ऐड करेंगे। तो दूसरी दो चीज़ क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ है, इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। और अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे, ये देखिए ये हो गया थोड़ा सा नमक। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं, अगर आपको खांसी भी आ रही है साथ में तो आप ये नमक ज़रूर डालें, और जुकाम है तब भी आप इसमें नमक ज़रूर डालें, क्योंकि खांसी जुकाम से, जब आपको खांसी जुकाम होती है तो जो फेफड़े होते हैं उनमें कफ जम जाता है, तो उस कफ को पिघलाने के लिए हमें ये सारी सामग्री मिक्स करके इस काढ़े को बनाना होगा। दोस्तों ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरे घर पे भी बुखार आ गया था बच्ची को, मेरी लड़की को, तो मैंने उससे पिलाया, बहुत ही ज़्यादा फायदा, यानी कि आप ये समझ लीजिए मैंने 4 दिन तक दवा लेके खिलाई, लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं मिला, लेकिन मैंने इस काढ़े को पिलाया। दोस्तों सच मानिए आप, 101% मैं सच बोल रही हूँ कि इससे मेरी बेटी को तुरंत आराम मिल गया, यानी कि आप ऐसे समझिए काढ़ा पिया है और 5 मिनट में हमारी बेटी को आराम मिलने लगा। आप बस इतना, बस इसे यूज करिए, मैं जो बता रही हूँ आप यूज करिए, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए हम इसको पकने देते हैं, और पकाने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काढ़ा हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये काढ़ा कितना रह गया है, ये रह गया है आधा, यानी कि हमें आधा काढ़ा बचे तब तक हमें इसको खोलाना है। तो आप देख सकते हैं ये काढ़ा आधा रह चुका है। तो अब इसका जो गैस का जो फ्लेम है, इसको हम कर देंगे बंद।
तो ये देखिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसको हम ठंडा होने देंगे। हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हल्का सा अब गुनगुना रह गया है। अब इसको हम छान लेंगे, क्योंकि हमें इसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहना दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काढ़ा है, इसे आप ट्राई जरूर करना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द आराम मिले, आपका बुखार खांसी जुकाम सब खत्म हो जाए फटाफट से। आपको ये नहीं कि दुनिया भर के आप इंजेक्शन ले रहे हैं, दुनिया भर की आप इंग्लिश दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बचें। तो इसलिए आप ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो आपको इसमें, जैसे कि मैंने ये काढ़ा बना दिया है, अब इस काढ़े को आपको लेना कितना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्वांटिटी आपको बस इसमें से करीबन दो खुराक करनी होगी। ये देखिए, ये आपकी दो खुराक बन चुकी हैं। ये देखिए, आप जब एक गिलास पानी का, यानी कि डेढ़ गिलास पानी का काढ़ा बनाएंगे तो आपकी ये दो खुराक बन चुकी है। तो आप इस काढ़े को पियेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो आपको पीना है गुनगुना, और इतने काढ़े में आप दो बार की खुराक ले सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, क्या लेंगे कैसे, इसको आपको सुबह कुछ नाश्ता कर लें, आप खाली पेट बिल्कुल ना लें, कुछ नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद में या फिर खाना खाने के बाद में किसी भी टाइम पर आप इसको ले सकते हैं। तो आप इसको क्या करें, काढ़े को गुनगुना गुनगुना पी लीजिए, गुनगुना गुनगुना पीजिएगा। तो आप यानी कि सुबह पी लीजिए और ये शाम को पी लीजिए, ये वाला, ये आपको शाम को पीना है और ये आपको सुबह पीना है। तो दो टाइम आप इस काढ़े को पी लीजिए। तो आपको इस काढ़े को लगातार 3 दिन तक पीना है। आप 3 दिन में ही देखना आपका जो खांसी जुकाम बुखार है वो सारा गायब हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको बनाइए और पी लीजिए। और आप थोड़ा ज़्यादा सा भी बनाना चाहते हैं तो एक साथ इसको बना करके फ्रिज वगैरह में रख लीजिए, और जब पिएँ तो गुनगुना करके ही पिएँ। तो आप इस काढ़े को पीजिएगा, और साथ ही साथ आप इसका थोड़ा सा परहेज करिएगा, बस ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, यानी कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, बस आपको इतना ही करना है। और आप देखना आपका जो खांसी जुकाम बुखार कफ सब अच्छा हो जाएगा, अगर आपके छाती में कफ है वो पिघल करके निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।